गाइस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ में इस घंटी को भी दबा दीजिए, सो दैट इन फ्यूचर जो भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक चली जाए और आप उसे तुरंत देख ले। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी आपको पैसे नहीं देने हैं। गाइस जो लोग जिम जाते हैं उनका एक सपना होता है एक अच्छी बॉडी बनाना, लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता होता कि मसल्स का साइज़ कैसे बढ़ाया जाए। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करेंगे मसल का साइज़ कैसे बढ़ाया जाए। मसल का साइज़ दो तरीकों से बढ़ाया जाता है, एक प्रॉपर वर्कआउट करके, दूसरा प्रॉपर डाइट लेके। प्रॉपर डाइट लेके कैसे मसल का साइज़ बढ़ाना है उसके लिए आप हमारी और भी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मसल का साइज़ वर्कआउट से कैसे बढ़ाया जाए, कौन सी टेक्निक यूज़ की जाए जिससे हमारी मसल का साइज़ बढ़े। गाइस अब हम बात करेंगे उन टिप्स के जिन्हें हम फॉलो करके मसल्स गेनिंग कर सकते हैं अपनी एक्सरसाइज के दौरान। पहला जो टिप है वो है डू कंपाउंड एक्सरसाइजेज। अगर आप मसल गेनिंग के लिए सीरियस है तो आप कंपाउंड एक्सरसाइजेस करें जो कि मसल गेनिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, जैसे कि स्क्वाट, बेंच प्रेस, मिलिट्री प्रेस, डेडलिफ्ट, पुलअप्स, रोज, डिप्स, लंजेस। इन एक्सरसाइज को अपने वर्कआउट में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें। ये वर्कआउट एक से ज़्यादा मसल्स को ट्रेन करके मसल गेनिंग प्रोसेस को तेज कर देते हैं, साथ ही साथ आपके टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को भी बढ़ाते हैं। गाइस अब हम बात करेंगे टिप नंबर टू की। गाइज जितने भी हमारे बड़े मसल ग्रुप है जैसे कि चेस्ट, बैक एंड लेग, इन तीनों का वर्कआउट हमें इंडिविजुअली एक वीक में एक बार जरूर करना है, जो कि हमारी मसल गेनिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। गाइज अब हम बात करेंगे टिप नंबर थ्री की। बेसिकली अक्सर जिमों में ये देखा गया है कि लोग अपर बॉडी का वर्कआउट ज़्यादा करते हैं और लेग का वर्कआउट स्किप कर देते हैं। लेग के वर्कआउट से बेसिकली क्या होता है, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जिससे कि अपर बॉडी का हम जब भी जो भी वर्कआउट करते हैं उसमें हम वेट ईजिली उठा सकते हैं। सेकंड जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि ये ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन को भी बढ़ा देता है, जो कि मसल गेनिंग के लिए, वेट लॉस, फैट लॉस, इन सभी चीज़ों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। सो गाइज अब टिप नंबर फोर, बेसिकली इसमें हम बात करेंगे शॉर्ट एंड इंटेंस वर्कआउट की। अगर आप हैवी मसल ग्रुप का वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको उसके चार सेट लगाने हैं और पर सेट में आपको 10-12 की रिपीटेशन देनी है। और अगर आप स्मॉल ग्रुप का वर्कआउट कर रहे हैं तो भी आपको चार सेट लगाने और आपकी जो रिपीटेशन रहेगी वो आपकी रहेगी 7-10 की, जो कि मसल गेनिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। गाइज अब हम बात करेंगे टिप नंबर फाइव की, जो मसल गेनिंग में काफ़ी हेल्पफुल है वो है वर्कआउट टाइम लिमिट। बातचीत में टाइम वेस्ट ना करें, 45 से 60 मिनट में अपना वर्कआउट कंप्लीट करें और दो सेट के बीच में जो रेस्ट टाइम रहेगा वो भी 45 से 60 सेकंड का होगा, क्योंकि अगर आप हैवी वर्कआउट कर रहे हैं, हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर रेस्ट टाइम थोड़ा बढ़ जाता है और लाइट वेट में आप 30 सेकंड का रेस्ट रखते हैं। बेसिकली अगर आप 45 से 60 मिनट में अपना वर्कआउट कंप्लीट करेंगे तो इससे आपको एक अच्छा पंप मिलेगा, जो कि मसल गेनिंग में काफ़ी हेल्पफुल है। ज़्यादा लंबा वर्कआउट करने से आप मसल गेनिंग के गोल से दूर हो सकते हैं। गाइज अब हम बात करेंगे टिप नंबर सिक्स की, हाउ इम्पॉर्टेंट इज वार्म अप। वार्म अप देखिए, आप चाहे कोई भी वर्कआउट करें, कार्डियो, योगा, एरोबिक्स या जिम में कोई भी वेट ट्रेनिंग, उन सभी में ज़रूरी है। वार्म अप से बेसिकली मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। बॉडी में जब भी हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर चाहिए होती है बॉडी पार्ट्स में, तभी हम अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं। इसलिए आप एक्सरसाइज से पहले वार्म अप करें। वार्म अप करने से इंजरी के जो चांसेस होते हैं वो भी बहुत कम हो जाते हैं। ओके, एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बॉडी एंड मसल्स ये टेम्परेचर इंक्रीज़ करके एनर्जी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है बॉडी में। वार्म अप, एक अच्छा वार्म अप बॉडी में एनर्जी देने वाले हार्मोन को भी प्रोड्यूस करता है एंड आपको मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर करेगा, जो कि मसल गेन के प्रोसेस को प्रमोट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज अब हम बात करते हैं टिप नंबर सेवन की, डू स्ट्रेचिंग डूइंग और आफ्टर वर्कआउट। डूइंग और आफ्टर वर्कआउट स्ट्रेचिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली स्ट्रेचिंग जो होती है वो मसल्स को वर्कआउट से होने वाली सूजन, इन्फ्लामेशन, इन सब से बचाती है। साथ ही साथ ये मसल्स की स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस को भी बढ़ाती है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सेट के बीच मसल्स रिकवरी में भी हेल्पफुल है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो स्ट्रेचिंग या योगा बेसिकली मसल रिकवरी या मसल गेनिंग दोनों में ही, दोनों काफ़ी हेल्पफुल है। तो गाइज अब हम बात करते हैं टिप नंबर एट की, जो कि मसल गेनिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, वो है डोंट इग्नोर इंजरीज। वर्कआउट के दौरान काफ़ी इंजरीज होती है, जैसे मसल पेन, शोल्डर में पेन या डिसलोकेशन, इस टाइप की। वर्कआउट के दौरान जैसा मैंने बताया काफ़ी इंजरीज होती है, तो कोई भी बॉडी में इंजरी हो तो इग्नोर ना करें, अपने ट्रेनर या डॉक्टर से शेयर करें, क्योंकि अच्छी बॉडी हेल्दी शरीर के साथ ही बन सकती है। साथ ही प्रॉपर रेस्ट करें और मेडिसिन लें। गाइज अब हम बात करते हैं टिप नंबर नाइन की, इंक्रीज वेट वाइल लिफ्टिंग इन एवरी 1-2 वीक। अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप 1-2 हफ्ते में वेट को इंक्रीज करते हैं
तो बिग मसल ग्रुप जो होते हैं जैसे हमारा लेग वर्कआउट, चेस्ट, बैक, ये अच्छे से ट्रेंड हो गए। अगर मसल गेनिंग के आप प्रोसेस में हैं तो वेट को इंक्रीज कर दे, ये आपको मसल गेन प्लेट्यू से भी बचाएगा और प्रोग्रेसिव मोड में मसल गेन करने में भी हेल्प करेगा। तो गाइज चलिए हम अपने लास्ट टिप यानी टिप नंबर 10 के ऊपर बात करते हैं, चेंज एक्सरसाइज विद इन 30 to 45 डेज। गाइज अक्सर ये देखा गया है कि लोग अपना वर्कआउट 3 महीने, 4 महीने या बहुत तो ऐसे लोग होते हैं चेंज ही नहीं करते, वो एक ही टाइप का रूटीन फॉलो किए जाते हैं। गाइज इससे क्या होता है कि आपके मसल जो होते हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते वेरियस एंगल से। सो आप अपने ट्रेनर की हेल्प से इस टाइप का अपना स्केड्यूल बनवाइए जिससे आप वेरियस एंगल से अपने मसल्स को ट्रेन कर पाए। सो हर 30 से 45 दिन बाद आप अपने वर्कआउट को चेंज कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ योर ट्रेनर। तो गाइज ये थे हमारे 10 टिप, आप प्लीज इन्हें फॉलो कीजिए और डेफिनेटली गाइज आपको इसका अच्छे ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ओके 1 से 2 महीने बाद आप अपनी बॉडी में खुद फर्क महसूस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट इन फ्यूचर मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक चली जाए। एंड मोर ओवर प्लीज आप एक चीज़ और कीजिएगा कि मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिए सो दैट वहाँ पे भी जो भी मेरी पोस्ट हो उसकी भी नोटिफिकेशन आप तक चली जाए। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।